आटा दूध दही चीनी दुकान मकान। तो मेरी जान, दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, तुम्हारी क्या कीमत है? ऐसा ही एक सवाल आया एक इंसान के जहन में कि मेरी कीमत क्या है, इंसान की जिंदगी की कीमत है क्या? आखिर घर वालों के पास गया, पूछा मेरी कीमत क्या है। घर वाले हंसने लगे, कहने लगे अरे क्या बेवकूफ वाले सवाल कर रहे हो, कुछ दो पैसे कमा कर लाओ फिर हम तुम्हें तुम्हारी कीमत बताएंगे। जवाब कुछ जमा नहीं, और क्या फिर अपने रिश्तेदारों के पास, और रिश्तेदार का तो आपको पता ही, तो वहाँ से भी कोई खातिर खा जवाब ना मिला। फाइनली अपने दोस्तों के पास गया, और जनाब जैसा इंसान होता है वैसे दोस्त होते हैं, बेकार आदमी के बेकार दोस्त, काम के आदमी के काम के दोस्त। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि यार ये क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो, चलो कहीं हाथ चाय पीते हैं, इन सवालों में क्या रखा है, कहीं बाहर चलते हैं। और यहाँ पर कहानी हो गई ख़त्म। और वो कहानी ही क्या जो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए, कहानी शुरू हुई वहीं से होती है जहाँ ख़त्म होती है। रुका नहीं थमा नहीं, वो सवाल उसको परेशान करता रहा, निकल पड़ा गली गली महल्ले महल्ले कूचे कूचे, दुनिया घूम ली लेकिन जवाब नहीं मिला। व्हाट इज़ माय प्राइस, मैं हूँ कौन आखिर, और आखिर मेरी कीमत है क्या, मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है। बहुत परेशान हुआ, बहुत पशेमान हुआ, लेकिन जवाब ना मिल पाया कि यकदम एक आवाज़ आई, क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहते हो, क्या सवाल है? बोला सिर्फ एक ही सवाल है, मुझे मेरी कीमत का मालूम करना है। आवाज़ आई, अरे ये भी कोई बात है, कोई और सवाल करते। नहीं, सिर्फ इसी सवाल का जवाब चाहिए। सवाल का जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। उसने कहा मैं दुनिया की हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। तो आवाज़ आई कि आंखें बंद कर लो, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आवाज़ आई कि आंखें खोलो, जवाब तुम्हारा मुंतजर है। और आंखें खुल गई, और आंखें खुलने के बाद जो मंजर था वो बहुत अजीब था, क्योंकि सामने एक अदद पत्थर रखा हुआ था। बोला ये क्या मजाक है, ये है मेरे सवाल का जवाब, ये बेवकत बेतौकीर पत्थर, मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब पूछा था और आपने ये पत्थर दे मारा। आवाज़ आई कि बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब इसी पत्थर के अंदर है, अगर तुम्हें सवाल का जवाब चाहिए तो तुम्हें जाना होगा वापस, और मालूम करके आना होगा इस पत्थर की सबसे हाईएस्ट प्राइस, और मालूम करोगे कि इस पत्थर की कीमत क्या है। और ख्याल रखना कि मुझे सिर्फ इसकी हाईएस्ट प्राइस चाहिए, मैं छोटी मोटी वैल्यूज़ पे सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। उस शख्स के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, उसने फैसला किया कि वो इस पत्थर की हाईएस्ट वैल्यू हाईएस्ट प्राइस मालूम करेगा। वो वापस जाने के लिए पलटा, लेकिन आवाज़ आई पीछे से रुको एक शर्त और, अगर जिस रोज़ तुम्हें इस पत्थर की हाईएस्ट प्राइस मिल जाए तो तुमने ये बेचना नहीं है, और जवाब चाहिए तो इस पज़ल को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। और ये बात सुनकर उसने फैसला किया कि वो इसकी हाईएस्ट प्राइस मालूम करके ही दम लेगा और वापस आएगा। और वो पलटा वहाँ जहाँ से उसने अपना सफ़र शुरू किया था। वापसी का सफ़र शुरू हो गया, घर वालों से शुरुआत की वालदेन को दिखाया ये पत्थर की कीमत बता दें, उन्होंने कहा अहमक ना हंजार, हमने तुम्हें कमाने के लिए भेजा था, तुम घर छोड़ कर चले गए, बरसों बाद वापस आए हो इतने बुरे हुलिये में, और इस पत्थर की प्राइस हमसे पूछ रहे हो। रिश्तेदारों के पास गया, रिश्तेदारों से भी मुँह की खाई। दोस्त वे दोस्तों ने कहा कि भाई ये पत्थर अपने घर में सजा के रख ले, काम आएगा, या इसको फ्रेम करवा ले। फल वाले के पास गया, उसने कहा यार मुझे भूख लगी है, ये पत्थर मुझसे ले लो, दो चार सेब ले लो। कीमत नहीं मिल रही है, जवाब तो चाहिए ना सवाल का, मायूस होने लगा। लेकिन फिर अचानक आइडिया एक थॉट जहन में आई, क्यों ना मैं किसी ज्वेलर के पास जाऊँ, किसी सुनार के पास जाऊँ, यार उन लोगों को पत्थरों की पहचान होती है, शायद कुछ प्राइस मिल जाए इसकी। ज्वेलर की शॉप पे गया, सुनार को दिखाया, सुनार ने गौर से पत्थर देखा, सुनार देखता रहा काफ़ी देर गौर करने के बाद कहने लगा देखो मियाँ एक बार कहूँगा हाँ या ना। बेचैनी परेशानी बढ़ने लगी, क्या प्राइस मिलेगी, सुनार है ज्वेलर है अच्छे पैसे मिल सकते हैं। उसने कहा मैं तुम्हें इस पत्थर के 5,00,000 सोने के सिक्के दूंगा। बहुत शॉक सा हो गया,
सुनार को लगा शायद पैसे कम बताए। तो मेरे दोस्तों, जब वो पलटा और दरवाजे तक पहुंचा है तो पीछे से आवाज आई सुनार की, 10 लाख सोने के सिक्के अभी के अभी लो और ये पत्थर मुझे दे दो। 10 लाख सोने के सिक्के, ओ माई गॉड, द प्राइस इज गेटिंग हायर एंड हायर। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं ये बेच नहीं सकता, प्राइस तो आपने लगा दी और उसके लिए शुक्रिया कि अब मुझे पता चल गया कि ये एक आम सा पत्थर 10 लाख सोने के सिक्कों के बराबर है। 10 लाख सोने के सिक्कों तक बात पहुंच गई है। सुनार का बड़ा भाई हीरो का सौदागर था। सुनार ने फौरन अपने मुलाजमों को दौड़ाया अपने भाई के पास और बताया कि ऐसा शख्स आया था और उसके पास एक अनजाना अनदेखा सा पत्थर था जो मुझे बहुत कीमती लगा। भाई की बात का मान रखते हुए उसने अपने मुलाजमों से कहा कि उसका शख्स को बुला के लेकर आओ। मुलाजिम भागे भागे गए, वो भी रास्ते में ही था, उसको बुलाया और उससे कहा कि हमारे पास एक और भी शख्स मौजूद है जो उससे कहीं ज़्यादा दौलतमंद है, पैसे वाला है, तजुर्बेकार है, और तुम वो उसको पत्थर दिखाओ, तुम्हें इसके इससे ज़्यादा प्राइस मिल जाएगी। दोस्तों, हीरो के सौदागर उससे मुलाकात की और उससे कहा, कहाँ है वो पत्थर, दिखाओ। उसने कहा, ये लीजिए हुजूर, ये रहा पत्थर। जब उसने वो पत्थर देखा तो उसकी आँखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने मुलाजमों को आवाज़ दी, उसने कहा, जल्दी से मखमल का एक बेहतरीन दबीज़ कपड़ा लेकर आओ, ये तो ज्यादती है तौहीन इस पत्थर के साथ, ऐसे लिए लिए फिर रहो यार, ऐसा करता है कोई, साफ सुथरा कपड़ा मंगवाया, उसकी सफाई की, मखमल के गद्दे पर ऐसे रखा, शीशे का मर्दमान मंगवाया, उसको कवर किया और ऐसे रख। तो जनाब, इश्क हो गया उसे पत्थर से, पत्थर था ही ऐसा कुछ। और कहते हैं कि हीरे की जो या काबिलियत की शनाख्त काबिल आदमी करता है, जौहरी ही सिर्फ हीरे की शनाख्त कर सकता है। हर किसी के बस का रोग नहीं है, हमारे आसपास हजारों हीरे बिखरे हुए हैं, लेकिन हमारे पास जौहरी वाली आंख तो हो, तभी तो हम पहचान पाएंगे। दोस्तों, उस शख्स ने क्या कहा यह सुनकर अब आप हैरान होने वाले हैं। इतना बेशकीमत है कि मैं क्या मुझ जैसे दसियों हीरो के और जवाहरात के सौदागर आ जाएं तो नहीं खरीद सकते, ये बेशकीमत है, मैं तुम्हें इसकी कोई प्राइस नहीं दे सकता, सारी दुनिया सारी कायनात भी मिल जाए तो इसकी प्राइस नहीं पे कर सकती, इतना कीमती पत्थर है ये। तो जनाब, यहाँ तो मोमा हल हो गया प्राइस का, अब आते हैं असल सवाल की तरफ। दौड़ा वो वापस वहीं जहाँ पर उसे वो आवाज़ आई थी, भागा जैसे हम भागते हैं अच्छी जॉब की तरफ, है ना, थोड़ा से पैसे ज़्यादा मिले, कैसा छोड़ के भागते हैं हम जॉब। मिसाल दे रहा हूँ यार, माइंड मत करना, मैंने भी किया ऐसे वैसे। तो भागा वहाँ पहुँचा और वहाँ जाके आवाज़ लगाई, मैं आ गया, पत्थर की कीमत मालूम हो गई, ये पत्थर की कीमत मुझे मालूम हो गई, ये पत्थर बेइंतहा कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता, ये बेश कीमत है। और उसके बाद क्या हुआ अभी बताता हूँ। अब तो मुझे बता दीजिए कि मेरी कीमत क्या है, मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया, जैसे इस पत्थर की कोई कीमत नहीं लगा सकता, ये पत्थर बेश कीमत है, बेइंतहा कीमती है, इसकी कोई प्राइस नहीं लगा सकता, ऐसी तुम भी बेश कीमत हो, कीमती हो, अनोखे हो, मुनफरिद हो, मुख्तलिफ हो, तुम्हारी भी कोई प्राइस नहीं लगा सकता, तुम भी बेश कीमत हो। और जिन लोगों ने इस पत्थर की अलग अलग कीमतें लगाई, इसमें उनका कोई कसूर नहीं, जिसने भी इसकी जो भी कीमत लगाई, उसने अपने तजुर्बे, अपनी उम्र, अपनी इस्तेदाद, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी हैसियत के हिसाब से इसकी कीमत लगाई। ऐसे ही तुम्हारे अतराफ में जो लोग हैं, वो अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी वसत, अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपनी कैपेसिटी में तुम्हारी प्राइस लगाएंगे। अब ये तुम पर मुनसिर करता है कि तुम किस प्राइस में खुद को सेट करते हो, क्या तुम अपनी कीमत दूसरों से लगवाते हो या तुम अपनी कीमत आप तय करते हो। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अपनी कीमत दूसरों से लगवाते हैं और उसके नतीजे में हम अपने आप को बहुत डिवैल्यू कर लेते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, वर्थलेस हो जाते हैं। तो सेट योर प्राइस, डोंट अलाउ अदर्स टू पुट अ प्राइस टैग ऑन यू। थैंक यू वेरी मच।